जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशिफल 2020 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कन्या राशिफल 2020 के अनुसार इस वर्ष आपको धन के मामले से जुड़ी कोई ऐसी खबर सुनने को मिल सकती है जिसका आपको काफी लंबे वक्त से इंतजार था। इसके अलावा आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ ही घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। संभव है कि जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते भी वापस आ सकते हैं जिनके लौटने की आपको आशा नहीं थी। साल की शुरुआत में काम के प्रति ऊर्जावान महसूस करेंगे और महत्वाकांक्षी रवैया अपनाएंगे जिससे कार्य क्षेत्र पर प्रबल सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साल के मार्च के महीने में बृहस्पति का मकर राशि में गोचर होने से विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में खासा लाभ मिल सकता है। इस दिशा में कोई बड़ा काम शुरू कर सकते हैं। राहु आपके दशम भाव में विराजमान होगा जिस वजह से कार्य की दिशा में कुछ तनाव महसूस कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आगे बढ़कर काम करें। आपको मुश्किलों से उभरने का रास्ता स्वयं मिलेगा। आप निश्चित रूप से बेहद समझदार किस्म के हैं और हर परिस्थिति का सामना अपनी सूझबूझ के साथ करें। ध्यान रखें कि मई माह में जमीन जायदाद से जुड़ा कोई फैसला ना लें क्योंकि यह वक्त शनि और गुरुवार के वक्री होने का है। साल के अंत में धन के निवेश से जुड़ा हुआ कोई फैसला ना लें। अगर आप जन्मभूमि से कहीं दूर रह रहे हैं तो साल के मध्य में वापस आने का सहयोग बन सकता है। अगस्त माह में अपनी सेहत के प्रति सचेत रहें और विशेष रूप से मानसिक तनाव की स्थिति में ड्राइविंग करने से बचें। चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि साल 2020 में जीवन के हर क्षेत्र में आपके लिए क्या रहेगा विशेष। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। कन्या राशिफल 2020 के अनुसार यह वर्ष आपके लिए धन के मामलों में काफी अच्छा रहेगा। साल की शुरुआत में किए गए निवेश फलदायी सिद्ध हो सकते हैं। जमीन से जुड़े मामलों में साल की शुरुआत या अंत में अच्छे समाचार मिल सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए यह साल काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ध्यान रखें कि साल के मध्य में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय ना लें। जून के महीने में लेन देन के मामलों में थोड़ी सतर्कता बरतें। आपके नवम भाव में राहु के स्थापित होने की वजह से पिता के साथ जमीन जायदाद के मामलों को लेकर मतभेद होने की संभावना है। सितंबर के महीने में आर्थिक लाभ की प्रबल स्थिति बन सकती है, लेकिन अपने खर्चों पर काबू रखें। साल के मध्य में आय में बढ़ोतरी हो सकती है। पिता या ससुर के साथ बिगड़े हुए रिश्ते सुधारने से आर्थिक लाभ की स्थिति बनेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। कन्या राशिफल 2020 के अनुसार सेहत के दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इस वर्ष आप खुद को एनर्जी से भरपूर और तरोताजा महसूस करेंगे। भले ही आप इस साल कितनी भी भाग दौड़ क्यों ना करें, लेकिन आपको कभी भी थकान महसूस नहीं होगी। मई के महीने में संभव है कोई पुरानी ठीक हो चुकी बीमारी फिर से परेशान करे, इसलिए स्किन या नसों से जुड़ी कोई समस्या हो तो इसका इलाज जल्द से जल्द करवा लें। बेहतर होगा कि अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें और जहां तक हो सके बाहर के खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। साल के मध्य भाग में मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल उतार चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन किसी भी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज ना करें और समय रहते उसका उपचार कराएं। पाचन तंत्र की समस्याएं आपको कुछ हद तक परेशान कर सकती हैं। हालांकि आप मानसिक रूप से काफी संभल रहेंगे, बस आपको इस वर्ष स्वयं को फिट रखने का प्रयास करना चाहिए। आप योग और ध्यान की गतिविधियों में भी रुचि लेंगे और इसके कारण भी आपको काफी लाभ होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र और व्यवसाय की। कन्या राशिफल 2020 के अनुसार यह साल इस राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा बीतेगा। कार्य से जुड़े बहुत से ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। मार्च के महीने में कार्य से संबंधित कोई भी बड़ा फैसला ना लें, यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। कार्य की दिशा में विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं जो आपको नए लोगों के साथ जोड़ेगा। कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत की बदौलत ही आप बॉस की नज़र में प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं। अगर नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं तो भूलकर भी साल के मध्य में ना छोड़ें, क्योंकि इससे आपको आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। करियर के लिए साल का अंत आपके लिए नई सौगातें लेकर आएगा। कन्या राशि के लिए व्यवसाय की दृष्टि से साल 2020 बहुत ही अच्छा है। व्यवसाय के क्षेत्र में प्रगति का योग बन रहा है, परंतु इसके लिए आपको बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा। आपके सहयोगी आपका साथ देंगे जिससे आपको लाभ मिलेगा। कोई भी निर्णय लेने में शीघ्रता ना करें तथा सोच समझकर निर्णय लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप नई योजनाओं पर कार्य करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। यदि साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो भी आपको परिणाम बेहतर मिलेगा।
आपको व्यवसाय में अवरोध आ सकता है, परंतु घबराए नहीं, धैर्य से काम ले, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, व्यवसाय में प्रगति होगी। दोस्तों अब बात करते हैं शिक्षा तथा प्रतियोगिता की। कन्या राशिफल 2020 के अनुसार शनि आपके पंचम भाव में विराजमान होगा, इसलिए शिक्षा के मामले में विद्यार्थियों को आलस घेर सकता है। साल की शुरुआत में यदि पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्चे निकालने के लिए नौकरी करना चाहते हैं, तो इस दिशा में भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि इस साल आपके पांचवें भाव का स्वामी बृहस्पति वक्री होगा, इसलिए पढ़ाई के लिए विषयों का चुनाव सोच विचार कर ही करें। सितंबर माह में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बन सकता है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े किसी भी व्यक्ति से बिना बात के ना उलझे, तो शिक्षा के दृष्टिकोण से यह साल आपको मिला जुला परिणाम दे सकता है। यदि प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा समय है, यही मौका है कि जितना आपने मेहनत किया है उसका फायदा उठा लें। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता का योग बन रहा है, आप तन मन धन तीनों का उपयोग करते हुए मनो अनुकूल नौकरी प्राप्त कर लें, और इसमें अपने भाग्य को मत कोसें। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपनी कमजोरी छिपा रहे हैं, अपनी कमजोरी को पहचान कर दूर करें, उसके बाद आप निश्चित ही लक्ष्य प्राप्त करेंगे। आलक्ष्य से दूर रहें और अपना लक्ष्य हासिल करें। दोस्तों अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। कन्या राशिफल 2020 के अनुसार क्योंकि शुक्र आपके अष्टम भाव में विराजमान होगा, इसलिए साल की शुरुआत में परिवार की महिलाओं के बीच अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जमीन जायदाद के मामलों में छोटे भाई बहन के साथ वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। माता के साथ रिश्तों में खटास आने की वजह से मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य को समाज में उपलब्धि मिलने की वजह से परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। सितंबर माह में पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और परिवार में खुशियों का आगमन होगा। साल के अंत में परिवार से दूर विदेश यात्रा के लिए जा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये साल कन्या राशि के दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ फल देगा। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। कन्या राशि फल 2020 के अनुसार साल की शुरुआत में जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनेंगे और इस लिहाज से वैवाहिक जीवन अच्छा बीतेगा। अपने पार्टनर के साथ कहीं विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। हालांकि सितंबर माह में पति या पत्नी, प्रेमी या प्रेमिका के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बेहतर होगा कि इस दौरान अपनी वाणी पर संयम रखें। साल के मध्य में जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। इस दौरान जीवन साथी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें और जहां तक हो सके प्यार से पेश आएं। विवाह योग्य लड़कों के लिए उनसे बड़ी उम्र की लड़की के विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रेम संबंध की। कन्या राशि फल 2020 के अनुसार कन्या राशि के जातक इस साल अपने पार्टनर को अपने खुश मिजाज स्वभाव से अपने पार्टनर को खुश रखने का प्रयास करेंगे। अपने प्रेम संबंधों को और भी बेहतर बनाने के लिए मन की बातों का इजहार अपने पार्टनर के साथ जरूर करें। साल के मध्य में ऐसे लोग जिनका अपने पार्टनर से अलगाव हो चुका है और वो दोबारा से साथ आ सकते हैं, आपके प्रेमी से आपकी दूरी बढ़ने की वजह से आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। हालांकि साल के अंत में आपका प्रेम विवाह होने का योग बन रहा है, यानी कि जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ शायद शादी भी हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं अच्छे परिणामों के लिए साल 2020 में कन्या राशि के जातकों के लिए उपायों के बारे में। उपयोगी उपाय: घर में तुलसी का पौधा बुधवार के दिन अपने हाथों से जरूर लगाएं और इसे पूर्व दिशा की ओर रखें और जल प्रदान करें। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और अगर आप स्टूडेंट हैं तो गणेश स्तोत्र का पाठ करें। गाय की पीठ पर 3 बार हाथ फेरकर उसे हरा चारा या हरी सब्जियां खिलाएं। 11 वर्ष से छोटी कन्या, बुआ या बहन, मौसी को हरे रंग की चूड़ियां और वस्त्र भेंट करें। अच्छे परिणामों के लिए श्री विष्णु नाम सहस्त्रोत का पाठ करें। तो दोस्तों ये था कन्या राशि फल वर्ष 2020 के बारे में। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।